हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरीज लगन में केतु की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में, और इस लगन में ये केतु की लास्ट प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यदि एरीज लगन के 12th हाउस में केतु बैठ जाए तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, 12th हाउस का संबंध एक्सपेंसेस से है, लॉसेस से है, और 12th हाउस का संबंध एक अकेली जगहों से है, सॉलिट्यूड से है, अकेलेपन से है, फॉरेन कंट्री से है, डिस्टेंट लैंड से है, ट्रैवल से है, इंटरनेशनल ट्रैवल से है, स्पिरिचुअलिटी से है, बेड प्लेजर से है, घोस्ट से है, यानी कि भूत प्रेतों से है, हमारी स्लीप से है, पीस ऑफ माइंड से है, और इमेजिनेशन से है। 12th हाउस बहुत पावरफुल हाउस है, और दुष्टाना हाउसेज में से 12th हाउस सबसे वर्स्ट हाउस माना जाता है। यानी कि 3rd हाउस से हमें बहुत कम ट्रबल्स मिलती हैं, 6th हाउस से उससे ज्यादा, 8th से काफी ज्यादा, और 12th से अनकंट्रोलेबल ट्रबल्स। और 12th हाउस का संबंध हॉस्पिटल से है, डिसीजेस से है, जेल से है, पागलखानों से है, आश्रमों से है, जंगलों से है, पहाड़ों से है, समुद्र के बीचों बीच अकेली जगहों से है। तो 12th हाउस बहुत स्केरी हाउस है, और 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मोक्ष से भी है। और केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है। केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है। केतु इंसान को ट्रबल्स देके, पेन देके, जिंदगी की हकीकत दिखा के, दुख दर्द बीमारियां देके, उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ देता है, और एक मैसेज देता है इंटरनली दैट दिस इज द अल्टीमेट पाथ ऑफ योर लाइफ विच कैन लिबरेट योर सोल फ्रॉम दिस बर्थ एंड फ्रॉम द कमिंग बर्थ्स। तो यहां ये लिबरेट कराने में केतु जो है सक्षम है, और प्राइमरली इसका काम भी यही है कि यहां पर लोग जो वर्ल्डली अफेयर्स में हैं, जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो मोह जाल में फंसे हुए हैं, उनकी उनको कहीं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे डाल के उनको लिबरेट कराना है, उनकी सोल को कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ ले जाना है, और एक जो हमारी सोर्स एनर्जी है वहीं उसको कहीं दोबारा से मर्ज कर देना है। तो दोस्तों, यहां पर केतु अगर होगा तो आपका 6th हाउस में राहु होगा, और 6th हाउस में राहु अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहां पर एक टग ऑफ वार रहता है। राहु वांट्स टू गेट द मटेरियल गेन्स। राहु वहां बहुत एक्टिव हो जाता है, और वहां पर मटेरियल गेन्स को निकालने में बहुत ज्यादा, यानी कि अपने प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में वो हो, वहां वो हर तरीके से अपने हर दाव पेच को यूज करके इंसान को, यानी कि नेटिव को, बेनिफिट्स दिलाता है। और केतु मोक्ष के घर में है। केतु का लास्ट हाउस वही है, वहीं जाके केतु रेस्ट करता है। लेकिन यहां एक कंट्राडिक्शन ये रहती है कि इनिशियल ईयर्स में इंसान दुनिया के जंजाल में ही फंसा रहता है। यानी कि अगर हम कहें कि 48 इयर्स तक इंसान कहीं स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा पाएगा, और वो दुनियादारी में रहेगा, पैसा कमाने में रहेगा, क्योंकि राहु जो है उसको पूरी तरह ऑब्सेस कर देता है 6th हाउस अफेयर से। और 6th हाउस बड़ा पावरफुल दुष्टाना हाउस है। अगर वहां राहु बैठ जाए तो इंसान उस हाउस के जंजाल से या जाल से निकलना उसको मुश्किल हो जाता है। हालांकि बीच बीच में उसको महसूस होगा कि यार इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं,
लेकिन फिर भी राहु उसको कहीं ना कहीं होल्ड रखेगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने नहीं देगा, और उसकी फीलिंग्स में स्पिरिचुअलिटी का भाव कहीं 42 साल के बाद स्टार्ट होगा आना, और 48 साल के बाद ऐसा माना जाता है कि इंसान स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल देता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस हाउस में केतु हो तो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है अपने लेटर ईयर्स में और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और ये प्रिडिक्शन और ज्यादा कंफर्म हो जाती है यदि यहाँ पर गुरुदेव भी बैठे हों, यानी कि गुरु और केतु का कंजंक्शन या आदमी को बर्थ से रीबर्थ से लिबरेट कर देता है और इंसान मोक्ष की प्राप्ति में चला जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में है। और दोस्तों अब यहां पर इनिशियल ईयर्स में यानी अप टू 48 ईयर्स क्या रहेगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी प्राइम ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। तो 48 ईयर्स में आदमी वर्ल्डली अफेयर्स में ही रहेगा। यहां पर केतु बैठ के इंसान को एक वॉन्डरर बना सकता है, यानी कि ट्रैवल लवर बना सकता है, ट्रैवलिंग आदमी बहुत करेगा। और यहां पर इंसान को फॉरेन कंट्री भी ले जा सकता है केतु बैठा हुआ, क्योंकि यहां बैठकर उसकी दृष्टि चौथे घर पे भी है। चौथे घर पे जब केतु दृष्टि डालेगा तो चौथे घर से डिटैच कर देगा आपको और दूर ले जाएगा। अगर यहां फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट का योग नहीं बनता तो इंसान को केतु अपने नेटिव प्लेस पे कभी नहीं रहने देता। यहां मैक्सिमम चार्ट्स में आपको मिलेगा कि आदमी जो है जब वो मेजर हो जाता है यानी कि आफ्टर 24-25 ईयर्स ऑफ एज ही जस्ट गोज अवे फ्रॉम हिज नेटिव लैंड और बाहर जाके ही सेटल होता है, और ज्यादातर वो सेटल भी उन लोगों में होता है जो उसकी कास्ट एंड क्रीड के लोग ना हो, एक अलग कल्चर और अलग जाति के लोग हों और एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसको रहना पड़े जहां वो अपने आप को अकेला फील करे। तो केतु यहां आपको अलूफनेस देगा, सॉलिट्यूड देगा, ट्रैवल ज्यादा कराएगा, विदेश में ले जाएगा या एटलीस्ट एक दूसरी स्टेट में जाके आपको सेटल करेगा, और यहां पर आप जिंदगी के हर मुश्किल रास्ते पर आपको चलने के लिए मजबूर कर देगा। और हालांकि उस रास्ते पर चल के आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ तो बढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें ट्रबल्स काफी रहेंगी, मुश्किलें काफी रहेंगी, हार्डशिप काफी रहेगी, संघर्ष काफी रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी चलेगी केतु की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में अगर हम इसको एनालाइज करते हैं। और दोस्तों यहां पर ये हाउस एक्सपेंसेस का हाउस है, यहां आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, और आपके एक्सपेंसेस कोई लग्जरीज पे नहीं होंगे, आपके एक्सपेंसेस अपनी कन्वीनियंसेस पे नहीं होंगे, आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो अनवांटेड मैटर्स में होंगे, बहुत कई बार सीक्रेटिव एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं जिसका इंसान को पता ही नहीं होता और अनकंट्रोल्ड वे में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ केतु ने आपको हैरस करना है बैठ के। 12th हाउस लॉसेस का घर है, नेगेटिव चीजें यहां से ज्यादा मिलती हैं। अब यहां पर आपकी लाइफ में लॉस भी हो सकता है, लॉस किस चीज का हो सकता है, आपकी वेल्थ का और प्रॉपर्टी का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, अपनी प्रॉपर्टी का। जब केतु का एस्पेक्ट 4th हाउस पे होता है तो 4th हाउस पे हम लैंडेड प्रॉपर्टीज देखते हैं, कन्वीनियंसेस देखते हैं, लग्जरीज देखते हैं, सुख सुविधाएं देखते हैं, पीस ऑफ माइंड देखते हैं। तो आप ये समझिए ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इन चीजों का केतु आपको लॉस करवा सकता है। अगर केतु जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर गलत होगी तो यहां पर आप ये मान लीजिए कि ये लॉस होगा। और यहां पर हम देखते हैं बैड प्लेजर्स, अगर केतु यहां थोड़ा बहुत एफ्लिक्टेड है यानी कि यहां पर अगर शुक्र जैसे प्लैनेट बैठ जाए, शुक्र यहां एग्जॉल्टेड हो जाता है तो यहां पर केतु आपको बैड प्लेजर्स में भी ले जाएगा, गलत आदतों में भी ले जाएगा। यहां पर चंद्र बैठ जाए तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन में ले जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का कारक है, नहीं, केतु बहुत मैलेफिक एनर्जी है और केतु अगर एफ्लिक्ट हो जाए तो इंसान को ऐसी चीजों में फंसाने के बाद एक लाइफ के लेसन देता है।
उसका अल्टीमेट गोल तो वही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ डालना, लेकिन वो डालेगा आपको प्रॉब्लम्स में डाल के, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे काम करवाएगा जो जिनसे आपको निराशा हो जाएगी, आप हर्ट हो जाओगे, आपका मन पीड़ित हो जाएगा और इमोशनली आप डिस्ट्रेस में आ जाओगे और आप सब चीजों को छोड़ने का डिसाइड कर लोगे। और दोस्तों ये डिसीजेस का और हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है और केतु कार का है, इन चीजों मतलब दुख दर्द देने में केतु सबसे ऊपर है, हार्डशिप देने में सबसे ऊपर है। तो यहां पर जब जब केतु की चलेगी, जब जब यानी कि उसकी दशा अंतरदशा आएगी, आपको कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि आपको बीमारी दे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन में डाले या आपको दुख दर्द दे, कष्ट दे। लेकिन राहु दूसरी तरफ पूरी तरह एक्टिव है, राहु विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि आपको मटेरियल गेंस दे, लग्जरीज दे, आपको वो सारी चालाकियां चतुराइयां दे जिससे आप लोगों से बिजनेस निकाल सको या बेनिफिट्स अर्न कर सको, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हैं। यहां पर लोगों को वो सर्विस देके, यानी कि अंडर प्रिविलेज लोगों को सर्विस देके उनसे फायदा निकालता है, और कुछ यहां पर सर्विस वो बड़े लोगों को भी दे सकता है, बिकॉज यहां राहु आ गया। राहु बिलोंग्स टू ऑल, आई मीन रॉयल पीपल एंड फॉरन एलियन एक प्लानेट है, तो सैटर्न का घर, सैटर्न यहां पर सैटर्न कार का है, सिक्स हाउस का, तो यहां पर अंडर प्रिविलेज लोग भी बैठते हैं, यहां से मिलते हैं सिक्स हाउस से, जहां से राहु उनको सर्व करके पैसा निकालेगा और यहां से बड़े लोगों के साथ संबंध स्थापित करके और उनको सर्विस देके भी वहां से अपने बेनिफिट्स जनरेट करेगा। तो राहु आपको डेफिनेटली यहां पर पैसे से, वेल्थ से ब्लेस करेगा, लेकिन संघर्ष कराने के बाद, हार्डशिप के बाद। लेकिन केतु जब भी उसकी दशा अंतरदशा प्रयंतर दशा आएगी, आपको प्रॉब्लम में डालेगा, आपको कष्ट देगा, ताकि आप में वो फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाए कि यार ये सब जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या वर्ल्डली चीजें हैं या अटैचमेंट्स हैं, या ये इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे हम, अल्टीमेट गोल तो हमारा कहीं ना कहीं मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाके। तो वहां पर केतु उस फीलिंग को देने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स देता रहेगा। अगर बैड प्लेजर्स में डालेगा तो वहां भी ट्रबल्स देगा, आपको नशे एडिक्शन में डालेगा वहां भी आपको ट्रबल्स देगा, कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाएंगी। और दोस्तों लेकिन केतु जब 12th हाउस में आता है तो आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हो जाती है, हीलिंग एबिलिटीज आप में डेवलप हो जाती हैं और आपको भी पता नहीं होता। यानी कि अगर आपके चार्ट में केतु 12th हाउस में बैठा है तो आप अपने आप को ट्राई करके देखिए, आप में हीलिंग पावर्स हैं, हिडन पावर्स हैं, बिकॉज केतु इज वेरी सीक्रेट एनर्जी। आप कभी भी किसी को भी कोई तकलीफ हो या बीमारी हो या प्रॉब्लम हो या पेन हो, आप उसको हाथ लगाइए और आप ये दुआ करिए, प्रार्थना करिए भगवान से कि ये ठीक हो जाए। जहां पर पेन है वहां पर उसको हाथ लगाइए इंसान को, और थोड़ी देर आंख बंद करके आप अपने देवता से, अपने डिटी से प्रार्थना करिए कि इसको ठीक कर दें, तो वो ठीक हो जाए। ये कुछ मिरेकल्स हैं। यहां पर केतु बैठ के इंसान में ये जो हीलिंग पावर है ये इससे ब्लेस कर देता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर ये पावर्स तभी काम करती हैं जब आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आप दुनिया भर की गलत चीजों में लिप्त हैं तो ये फिर पावर्स डाइल्यूट हो जाती हैं और ये इनएक्टिव हो जाती हैं। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, आप ज्यादा किसी का बुरा नहीं चाहते और थोड़े से स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, तो इस तरह की पावर्स एक्टिव रहती हैं आपकी बॉडी में, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग बड़े इंट्यूटिव हो जाते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्केरी हो जाते हैं, थोड़ा भूत प्रेतों से भी कभी कभी डर जाते हैं, थोड़ी नींद में भी इनको प्रॉब्लम्स आने का यहां पर योग बन जाता है, थोड़ी स्लीपलेसनेस वगैरह की भी दिक्कत हो जाती है। और अगर चंद्रियां बैठ जाए तो पक्का फिर तो आपका मन जो है कहीं ना कहीं डर से भरा हुआ रहेगा, आपको ये वहम रहेगा कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया।
और आप अशांत रहेंगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, नींद खुल गई तो दोबारा आएगी नहीं। और दोस्तों ये इस हाउस से हम हमारी आईज देखते हैं, आईज, तो यहां पर केतु की प्लेसमेंट आपकी आई साइड जरूर वीक कर देगी, अर्ली एज में ही कर देगी। और अगर ये हाउस और ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो आईज में ऑपरेशन या सर्जरी का योग भी बनता है। और दोस्तों यहां से हम अकेली जगहें देखते हैं तो केतु हमेशा चाहेगा आपको कहीं अकेली जगह पे काम कराए, बैक ऑफिस में काम कराए, आप पब्लिक के साथ इंटरफेस ना हो या आपको घर से दूर ले जाके सेटल करें। और केतु जब यहां से सेवंथ एस्पेक्ट से सिक्स्थ हाउस को देखता है तो वहां राहु बैठा हुआ है, वहां राहु की चल रही है और राहु अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा है आपको वेल्थ से ब्लेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उल्टे सीधे सारे काम करवाता है आपसे आपको पैसा दिलवाने के लिए। और राहु इज वेरी पावरफुल एनर्जी, जब आपका यूथ होता है यानी कि मिडल एज तक राहु की पूरी चलती है आप पे। और दोस्तों केतु की यहां बैठकर नाइन्थ एस्पेक्ट हमारे एट्थ हाउस से पड़ेगी और केतु कहीं ना कहीं एट्थ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा अंतर दशा में। आपके साथ सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपके काम में सडन ऑब्स्टेकल्स आने लगे, बिकॉज केतु उन चीजों से डिटैच नहीं करेगा आपको। हालांकि केतु इज ए लॉट ऑफ डिटैचमेंट, लेकिन ये केतु की जो चीजें हैं यानी कि कष्ट देना, ये केतु की फेवरेट चीजें हैं। फॉरेन कंट्री के घर में बैठ के फॉरेन कंट्री से डिटैच नहीं करेगा, फॉरेन कंट्री ले जाएगा, क्योंकि उसको तो जिस चीज का वो कारका है उस चीज में तो आपको दे ही जाएगा। अगर वो दुख दर्द देने में सबसे आगे है तो दुख दर्द देगा। अगर वो फॉरेन कंट्री आपको अकेला ले जाना चाहता है, वहां अकेला फैमिली से डिटैच करना चाहता है, तो उसकी नजर में तो ये बुरा काम ही है। चाहे फॉरेन कंट्री जाके आप अच्छे सेटल हो जाए, आपको पेरेंट्स से अपने नेटिव प्लेस से अलग ले जाएगा, फॉरेन कंट्री में सेटल कर देगा। तो अगर वो एट्थ हाउस को देखेगा तो आपको एट्थ हाउस की जो ब्लेसिंग्स हैं उनसे तो डिटैच करेगा, एट्थ हाउस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। अब ब्लेसिंग्स क्या है एट्थ हाउस से? इनहेरिटेंस आपको लेने नहीं देगा, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस मिल गई, आपको तो फिर यहीं रह जाओगे, आप कौन सा फॉरेन कंट्री जाओगे या बाहर होके तो फेल होगे अपनी मिशन में। तो इसलिए एट्थ हाउस से रिलेटेड इनहेरिटेंस में केतु दखल डालेगा, वो आपको नहीं लेने देगा, उससे डिटैच करेगा। और एट्थ हाउस से अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सडन इवेंट्स, कुछ और देखते हैं, एट्थ हाउस से बड़ी बुरी चीजें भी हम देखते हैं, लाइफ एंड डेथ का घर है, एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, तो उन चीजों को भी कभी कभी केतु अगर एफ्लिक्टेड हो तभी एक्टिवेट करता है, नहीं तो एक्सीडेंट्स या डेथ वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है और आपको एक्टिवेट कर देगा। तो दोस्तों लाइफ एंड डेथ का घर का मतलब ये नहीं है कि उस घर से आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने में कई घरों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेकंड हाउस का, सेवंथ हाउस का, एक तीन घर तो मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं, फिर प्लैनेट्स भी कई इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं दिमाग में कोई किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेथ ऑफ एनी पर्सन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट देयर आर सर्टेन वेरी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स। और हमारे पुराने जो है एस्ट्रोलॉजर्स जो थे जिन्होंने ये सारी थ्योरीज बनाई हैं, वो तो मास्टरी थी उनकी, लेकिन फिर भी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट सच थिंग्स। और एस्ट्रोलॉजी एक इंडिकेटिव साइंस है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल ही सच होगा 100%, नहीं, दिस इज ए इंडिकेटिव साइंस। अब हम आपको केतु के बारे में बता रहे हैं, अब दूसरे प्लैनेट्स, आठ प्लैनेट्स हैं, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र पे पड़ा है, किस प्लैनेट की दृष्टि है बारहवें घर पे, किस प्लैनेट का कंजंक्शन है, कौन सा प्लैनेट कितनी पावरफुल है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, उसमें बल कितना है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए। फिर ट्रांजिशन का भी बहुत बड़ा रोल है,
प्रेडिक्शंस में 25-30% जो ट्रांजिशन जो चल जो जो हमारे ट्रांजिशन में प्लैनेट्स होते हैं उनका भी पूरा रोल है एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी नॉट वेरी इजी, बट दीज वट एवर वी आर टेलिंग यू दीज आर वेरी वेरी इंडिकेटिव थिंग्स एंड यू कैन डेफिनेटली रिलेट यूर सेल्फ विद सच इंसिडेंट्स इफ केतु इज सिटिंग इन यूर 12th हाउस. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि केतु यहां पर किस नक्षत्र में मिल सकता है. पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है जिसका एक चरण यानी चौथा चरण यहां मिलेगा आपको. अगर केतु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो यह गुरुदेव का नक्षत्र है और गुरुदेव की राशि है 12 नंबर. तो आप गुरुदेव की प्लेसमेंट देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि केतु यहां आपको कितनी तंग करेगा या नहीं करेगा. अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, एग्जॉल्टेड साइन में है गुरु, तो केतु यहां पर कैसे तंग करेगा आपको. गुरु का ही घर है, गुरु का ही नक्षत्र हो गया और गुरु की प्लेसमेंट एग्जॉल्टेड साइन में होगी तो केतु यहां आपको कुछ नहीं करेगा. आप आराम से जिंदगी निकालिए, एवरीथिंग विल गो आई मीन वेल. थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें होंगी लेकिन दैट विल नॉट डिस्टर्ब यू मच. एग्जॉल्टेड साइन में आ गए गुरु, लगन में गुरु आ जाए तो भी आप मस्तर हो जाओ, कुछ नहीं होगा. सेकेंड हाउस में आ गए, वहां कारक है गुरु, पांचवें घर में आ गए तो भी इट विल ब्लेस. नाइन्थ घर तो गुरु जी का ही है, जुपिटर का है, वहां कुछ नहीं होगा. टेंथ में आ गए तो आपको थोड़ा मटीरियलिस्टिक बना देंगे, यहां पर राहु थोड़ा मटीरियलिस्टिक बना देगा आपको. और इलेवंथ हाउस में शनि के घर में भी अगर गुरु आ जाते हैं तो भी कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है. इट इज एन एवरेज प्लेसमेंट, रादर गुड प्लेसमेंट. अब गुरु के खराब रिजल्ट्स कहां मिल सकते हैं आपको. ज्यादा गुरु राहु के साथ बैठ जाए, गुरु चंडाल योग बना देगा. गुरु अगर 8th हाउस में आ जाए तब भी आपको थोड़े ऑब्स्टेकल्स मिल सकते हैं, केतु दे सकता है. तो दोस्तों अब देखिए, गुरु के ऑलमोस्ट सारे 3rd हाउस में भी गुरु को अच्छा नहीं माना जाता. तो गुरु के मैक्सिमम घरों में अगर पूर्व भाद्रपद में केतु बैठा है, गुरु अगर इन सब घरों में बैठा है जो हमने आपको बताया है, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहेगी आपके लिए. और लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरु का एक ही चरण है इस नक्षत्र में, चौथा चरण है, उसमें प्रोबेबिलिटी कम रहेगी. दूसरा नक्षत्र आपके शनिदेव, और शनिदेव के बारे में तो आपको मालूम है, शनि तो जहां बैठ जाते हैं वहां आदमी का संघर्ष ही रहता है लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड, और लंबे टाइम तक रहता है, 36 साल तक रहता है, कम से कम 32 और 36 साल तक रहता है. तो शनिदेव के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चलेगा यहां पर 3.2 से 16.4 तक. और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहां केतु बैठा हुआ है तो शनि भी ऐसा ही प्लानेट है तंग करने वाला, और केतु तो है ही है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत. शनि जहां भी बैठ जाएगा उस घर से रिलेटेड गलत रिजल्ट्स मिलेंगे. एक तो शनि गलत देगा और फिर केतु भी शनि के हिसाब से रिजल्ट्स देगा. लेकिन यहां पर डिस्पोजिटर गुरु है, अगर गुरु अच्छा बैठा हुआ है तो चीजें कुछ ना कुछ संभली रहेंगी, क्योंकि गुरु के मैक्सिमम घर जो है वहां पर गुरु अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको. तो दोस्तों अगर सैटर्न किसी अच्छे घर में है, यानी 11th हाउस में है, 10th में है, 7th में है, तो फिर भी यहां पर ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे. 3rd में है, थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन फिर भी ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे. 6th में है, 8th में थोड़ा सा, हालांकि कार का है शनि, लेकिन 8th में शनि को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे नहीं है चार्ट्स पे प्रैक्टिकली. तो कहने का मतलब ये है कि शनि के नक्षत्र में केतु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. और तीसरा नक्षत्र है जो 16.4 से 30 डिग्री तक, यानी कि खत्म हो जाता है ये 12 नंबर साइन, वो है रेवती नक्षत्र. रेवती नक्षत्र का रिलेशन प्योर स्पिरिचुअलिटी से है, प्योरिटी से है, प्योर हार्टेडनेस से है. रेवती सबसे पवित्र नक्षत्र है, बुध देव का नक्षत्र है. अगर रेवती में यहां पर केतु बैठ जाए तो केतु और रेवती नक्षत्र और 12 नंबर साइन यानी कि पाइसिस साइन,
इनकी जो एनर्जी एनर्जीज हैं ये बिल्कुल मैच करती हैं, यानी कि 12 नंबर साइन भी सात्विक है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से डिटैचमेंट से उसका वास्ता है। केतु भी मोक्ष का कारक है और स्पिरिचुअलिटी पे डालना चाहता है आपको, और रेवती नक्षत्र भी ऐसा ही है। तो तीनों की जब एनर्जीज मिक्स होंगी तो आप में स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग्स या भावना लाइफ में जल्दी भी आ सकती है, और आप उस राह पे पक्के चल दोगे और आप रियल टर्म्स में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ी जाओगे। रेवती नक्षत्र बहुत पावरफुल नक्षत्र है और वो इंसान को ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बनाता है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि रेवती नक्षत्र का जो लॉर्ड है बुध, वो कहां पड़ा हुआ, उसकी प्लेसमेंट अगर बुरी है आपके चार्ट में काफी, तो थोड़ी सी दिक्कतों के साथ आप उस राह पर चलेंगे, और अगर अच्छी है तो आप बहुत जल्दी आप इस वर्ल्डली अटैचमेंट से डिटैच होके आप स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल देंगे और काफी एडवांसमेंट में चले जाएंगे एक अच्छी राह पर, और ऐसा माना जाता है कि आपको शायद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी डिस्कशन हमारी केतु की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, एंड इफ दिस इज द प्लेसमेंट इन योर चार्ट यू कैन कनेक्ट द थिंग्स विच वी हैव टोल्ड यू आई मीन इन योर पर्सनैलिटी। तो दोस्तों एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी कंसल्टेशन, astrological consultation, you can dial this number, or else we'll see you soon. Please don't forget to subscribe our channel. If you are our subscriber, then you can ask one question related to your life on our YouTube portal, but ensure that you are the subscriber of our channel, and please ensure before asking any question from us. Thank you very much. See you soon. Have a nice time. Enjoy your Sunday. Goodbye.